हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मिशन एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ स्टोमेटल अपैरेटस को। इस लेक्चर में जो है हम देखेंगे सबसे पहले स्टोमेटा के अपैरेटस के बारे में। नेक्स्ट जो चीज़ हम देखेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा थ्रू एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। उसके बाद जो हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट जो चीज़ देखेंगे हम स्टोमेटा कैसे खुलता है दिन में, स्टोमेटा कैसे बंद होता है रात में। उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टोमेटल अपैरेटस के साथ यानी स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के साथ जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है एक डायग्राम जो है बना रखा है स्टोमेटल अपैरेटस का। ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो हमारा स्टोमेटा है वो ओपन है, इसमें जो है हमारा स्टोमेटा क्लोज्ड है। तो हम जो है स्टोमेटा ओपन को देखते हैं। सबसे पहले स्टोमेटा ओपन में आप देख सकते हैं ये जो है हमारा एपिडर्मल सेल है, दिस इज कॉल्ड एपिडर्मल सेल। उसके बाद जो ये हैं हमारे गार्ड सेल्स हैं, ये जो दो आपको दिख रहे हैं किडनी शेप्ड जो आपको दिख रहे हैं इसे हम लोग गार्ड सेल्स कहते हैं। और इनके बीच में जो आपको पोर दिख रहा है इसे हम लोग स्टोमेटल पोर के नाम से जानते हैं। दोनों ही गार्ड सेल्स में आपको एक एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, वो भी जो है यहाँ पर दिखाया गया है। और उनके अंदर आपको एक गार्ड सेल्स का खुद का वैक्यूल देखने को मिलेगा, क्योंकि गार्ड सेल्स खुद भी प्लांट सेल हैं तो उनके अंदर वैक्यूल होना लाजमी सी बात है। उसके बाद जो गार्ड सेल्स हैं उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, यानी मैं एक बार कलर चेंज करता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली विजिबल हो, ये जो आपको बाहर की वॉल जो दिख रही है उसे हम लोग कहते हैं आउटर थिन वॉल। बाहर की जो वॉल होती है आपको ध्यान रखना है वो थिन होती है, पतली होती है। और ये जो है हमारी अंदर की वॉल होती है जिसे हम लोग कहते हैं इनर थिक वॉल, यानी बाहर की जो वॉल है वो थिक होती है। सो मैंने जो है आपको स्ट्रक्चर तो समझा दिया, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। अब जो है हम लोग कुछ थ्योरी देखने जा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हमारा जो स्टोमेटल अपैरेटस होता है उसके अंदर हमारा पहला पॉइंट है इट इज़ अ पोर इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। जो हमारी लीफ की एपिडर्मिस होती है यानी सबसे बाहरी लेयर जो होती है, ऊपर वाली लेयर होती है, उसके अंदर जो है एक पोर होता है स्टोमेटा लीव्स एंड यंग ग्रीन स्टेम। जो नई ग्रीन स्टेम होती है यानी यंग होती है उसके अंदर भी जो है हमें स्टोमेटा देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा स्टोमेटा होता है वो इक्वल नंबर होता है हमारा मोनोकोट लीफ के अंदर, मोनोकोट लीफ इक्वल नंबर ऑन बोथ साइड्स। बट अगर हम बात करते हैं डाइकोट लीफ की तो उसमें क्या होता है मोर नंबर ऑन डाउनवर्ड साइड। और ये जो हम स्टोमेटा के नंबर की बात कर रहे हैं, जो हमारा स्टोमेटा होता है वो इक्वल नंबर होता है दोनों ही तरफ। जो हमारा स्टोमेटा होता है डाइकोट लीफ का वो नीचे की तरफ जो है ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऊपर की बात करें तो। नेक्स्ट जो कि हम देखने वाले हैं, जो हमारा स्टोमेटा होता है वो केवल अकर 1-2% ऑफ लीफ सरफेस, यानी पूरी लीव की सरफेस पे जो है ये स्टोमेटा जो है केवल 1-2% आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं वो है हमारा गार्ड सेल्स के बारे में जो है कुछ पढ़ने जा रहे हैं, गार्ड सेल्स। हमारे जो गार्ड सेल्स होते हैं वो स्टोमेटल पोर को सराउंड करते हैं। ईच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय टू गार्ड सेल्स। दो गार्ड सेल्स के द्वारा जो है हमारा एक स्टोमेटा जो है उसको सराउंड किया जाता है। और जो हमारे गार्ड सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स कहलाते हैं। गार्ड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स। आपने जो है ये पढ़ी रखा होगा स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल किसे कहा जाता है। अब जो हम गार्ड सेल की जो है शेप के बारे में बात करेंगे तो शेप जो होती है आपको पता ही है किडनी शेप होती है, किडनी कह लीजिए या फिर बीन शेप भी कह सकते हैं हम इसे।
और किडनी और बीन शेप्ड हमें देखने को मिलते हैं डाइकॉट्स के अंदर, लेकिन अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट्स की, उसके अंदर जो है हमें डंबल शेप देखने को मिलते हैं, डंबल इन मोनोकॉट्स। और इसी के अंदर जो है हमें क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलता है। जैसा कि हमें पता है कि गार्ड सेल्स के अंदर ही जो है हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट। तो हम जो है कुछ बातें क्लोरोप्लास्ट पर भी जो है कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट। नेक्स्ट जो है मैं आपके सामने एक जो है और स्ट्रक्चर जो है स्टोमेटा का बनाने वाला हूँ, जिसको कि मेरे को आपको दिखाना है, जो कि कहीं पर भी जो है आपको डायग्राम नहीं मिलेगा, जो कि स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया क्योंकि इस पर जो है क्वेश्चंस आते हैं, तो डायग्राम जो है इतना अच्छा तो नहीं बन पाएगा क्योंकि ये पेन जो है काफ़ी ज़्यादा स्लाइड भी करता है। सो यहाँ पर जो है कुछ ये रेडियली अरेंज्ड होती हैं। यहाँ पर जो ये फाइबर्स आपको देखने को मिल रही है, इनको जो है हम लोग कहते हैं माइक्रो फाइब्रल्स, दे आर कॉल्ड माइक्रो फाइब्रल्स। और ये जो होती हैं हमारी रेडियली अरेंज्ड होती हैं, आपको ये बात जो है बिल्कुल ध्यान रखनी है। इस पर जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फाइबर्स हैं हमारी गार्ड सेल्स के अंदर वो कैसे अरेंज्ड होती है, वो रेडियली अरेंज्ड होती है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, माइक्रोफाइब्रिल्स आर अरेंज्ड रेडियली इन गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के अंदर जो है ये रेडियली अरेंज होती है। मैंने आपको पिछले डायग्राम में दिखाया था कि इसके अंदर जो हमारा गार्ड सेल्स होते हैं उसके अंदर जो है दो सेल वॉल होती है, टू सेल वॉल। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी वो सेल वॉल होती है। पहली तो है हमारी इनर। इनर में मैंने आपको बताया था कि ये जो होती है थिक होती है। सेकंड जो है हमारी आउटर, जो कि हमारी थिन होती है। बस आपको इतनी सी ही बात याद रखनी है। सो इतना हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेन कॉज क्या होता है जिससे हमारा स्टोमेटा जो है वो ओपन और क्लोज होता है। मेन कॉज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। टर्जिडिटी यानी स्वॉलननेस ऑफ गार्ड सेल, टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। टर्जिडिटी को हम लोग स्वॉलन भी कहते हैं। जब गार्ड सेल्स जो है हमारे फूल जाते हैं तब जो स्टोमेटा है हमारा खुल जाता है। जब गार्ड सेल्स जो हमारे फ्लैसिड हो जाते हैं यानी उनके अंदर से जो पानी है वो निकल जाता है तब जो है वो बंद हो जाते हैं। ये चीज़ जो है हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे, दैट इज़ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एंडोओस्मोसिस। एंडोओस्मोसिस जो है मैंने आपको पढ़ा भी रखा है इसी चैप्टर में, आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है चेक कर सकते हैं। जब एंडोओस्मोसिस होती है हमारे गार्ड सेल्स के अंदर तो क्या होता है, हमारे जो गार्ड सेल्स हैं वो टर्जिड हो जाते हैं। गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड, TURGID, टर्जिड। टर्जिड का मतलब हो गया स्वॉलन यानी फूल जाते हैं। और जब ये फूल जाते हैं तो जो इनकी आउटर वॉल है, जो बाहर वाली वॉल होती है, जैसा कि आपको पता है कि जो बाहर की वॉल है वो थिन होती है, तो ये क्या करती है स्ट्रेच करने लगती है, फूलने लगती है तो स्ट्रेच करने लगती है बाहर की तरफ। जिस वजह से क्या होता है, जो अंदर की वॉल्स होती है, मेकिंग इनर वॉल्स थिक एंड इलास्टिक। तो इस वजह से जो अंदर की वॉल है वो थिक हो जाती हैं और इलास्टिक हो जाती है, और इस वजह से जो है मोर क्रेशेंट शेप आ जाता है। क्रेशेंट मतलब चांद का शेप हो जाता है, क्रेशेंट शेप। और हमें जो है एक पोर देखने को मिलता है इस तरीके से कुछ। ये बाहर वाली वॉल क्या करती है, ऐसे प्रेशर लगाती है बाहर की तरफ,
तो ये जो है पतली होती हैं, पतली होने की वजह से जो है ये फैलने लगती हैं, और ये वाली जो वॉल होती है अंदर की और भी ज़्यादा जो है थिक होती जाती है, क्योंकि ये इलास्टिक भी है। और यहाँ पर जो है हमें एक स्टोमेटल पोर जो है देखने को मिलता है। अगर हम वहीं बात करते हैं कि जो हमारा स्टोमेटा है, तो जो हमारा एंडोस्मोसिस होता है, इससे हमारा जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाता है, स्टोमेटा ओपन्स। लेकिन जब अगर हम बात करें एक्सोऑस्मोसिस की, एक्सोऑस्मोसिस अगर गार्ड सेल्स के अंदर जो है एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है, तो जो हमारे गार्ड सेल्स होते हैं वो फ्लैसिड बन जाते हैं। गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड, और गार्ड सेल्स जब फ्लैसिड बन जाते हैं तो जो हमारा स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब हम लोग देखेंगे कि स्टोमेटा जो है वो किस तरीके से खुलता है और बंद होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस आदमी ने जो है या फिर किसने जो है ये थ्योरी दी है। तो ये जो थ्योरी है मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए। इस थ्योरी का जो नाम है वो थोड़ा बड़ा है, इसे हम लोग एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट, एक्टिव हाइड्रोनियम आयन ट्रांसपोर्ट, एक्टिव पोटेशियम पंप थ्योरी, इसे हम लोग हाइड्रोनियम एंड पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी भी कहते हैं। ये जो थ्योरी थी ये लेविट नाम के साइंटिस्ट ने दी थी 1974, डेट्स इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो हमारा स्टोमेटा होता है वो ओपन और बंद कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इन लाइट, यानी जब लाइट रेज पड़ती हैं तो जो हमारा स्टोमेटा है वो ओपन कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पर जो ये डायग्राम आप देख रहे हैं ये हमारा एक स्टोमेटा के अंदर एक गार्ड सेल का है, स्टोमेटा के अंदर भी जो है हमारा एक गार्ड सेल का जो है ये डायग्राम है। बेसिकली यहाँ पर ये जो है हमारे गार्ड सेल का साइटोप्लाज्म है। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर स्टार्च होता है। आप अभी टेंशन मत लीजिए, आपको बस अभी समझना है, इसके बाद मैं आपको इसकी एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, इसके बाद आपको जो है पूरा का पूरा एक ही बार में याद हो जाएगा। ये हमारा सबसे पहले स्टार्च होता है, और जो स्टार्च होता है वो कन्वर्ट होता है PEP के अंदर। PEP को हम लोग कहते हैं फॉस्फो इनोल पायरूवेट, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। फिर जो हमारा PEP है वो कन्वर्ट होता है OAA के अंदर, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। फिर जो हमारा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है वो फर्दर कन्वर्ट होता है हमारा मैलिक एसिड के अंदर। मैलिक एसिड से जो है ये कन्वर्ट होता है मैलेट आयंस एंड H+ आयन के अंदर। तो यहाँ पर आप जो है देख रहे हैं एक ये जो है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और इसे आप जो है H+ या फिर पोटेशियम प्लस पंप भी कह सकते हैं। इसी के बेस पर जो है इस थ्योरी का जो है नाम पड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है जिसके अंदर जो ये हमारे हाइड्रोनियम आयन्स हैं, H+ आयन्स हैं, वो बाहर आ रहे हैं, और जो हमारा पोटेशियम आयन है वो अंदर की तरफ जा रहा है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर ATP जो है वो यूज हो रही है, और ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इसलिए जो है हम इसे एंटीपोर्ट कहते हैं। अब यहाँ पर जो ये पोटेशियम आयन्स आए हैं और साथ में जो ये मैलेट आयन्स हैं, ये दोनों मिलकर जो है हमारा पोटेशियम मैलेट फॉर्म करते हैं, और ये जो पोटेशियम मैलेट है हमारा, फिर ये जो है फर्दर वैक्यूल के अंदर जा रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा गार्ड सेल का वैक्यूल है, इसके अंदर जब जाता है तो ये जो पोटेशियम मैलेट है ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, आपको ध्यान रखना है बढ़ाता है। उसके बाद ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होता है, जो यहाँ पर एंडोऑस्मोसिस हो जाती है, एंडोऑस्मोसिस के कारण जो है इसके अंदर जो पानी है वो आने लगता है बाहर की तरफ से, जो जितना भी वाटर है वो अंदर आने लगता है। मैं यहाँ पर H2O भी लिख देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। आपको सेम एज इट इज़ डायग्राम जो है अपनी नोटबुक में बनाना है, बहुत ही हेल्पफुल डायग्राम है, इससे आराम से याद हो जाता है। फिर यहाँ पर क्या होती है, एक टर्जिडिटी डेवलप हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था एंडोस्मोसिस होती है तो जो सेल होता है वो स्वॉल हो जाता है, फूल जाता है,
बट ये जो है वैक्यूल में हो रहा है, तो वैक्यूल जो है यहाँ पर पूरी तरीके से फूल जाएगा, तो हम इसे कहेंगे कि टर्जिड वैक्यूल हो चुका है। उसके बाद जो है पूरा का पूरा जो हमारा वैक्यूल है, यहाँ पर सेल गलती से लिख दिया गया है, यहाँ पर वैक्यूल आएगा, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, वैक्यूल बिकम टर्जिड। वैक्यूल भी हमें पता है कि साइटोप्लाज्म का एक पार्ट है, तो अगर वैक्यूल बढ़ेगा तो पूरा का पूरा जो है सेल बढ़ेगा, तो इस वजह से जो गार्ड सेल है वो भी टर्जिड हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और जब गार्ड सेल हमारा टर्जिड हो जाता है, यहाँ पर मैं साइड में लिखता हूँ, गार्ड सेल के टर्जिड होने से जो हमारा स्टोमेटा है वो ओपन हो जाता है, स्टोमेटा ओपन्स। गार्ड सेल हमारा टर्जिड हो जाएगा तो जो हमारी इनर जो थिकनिंग है वो क्या करेगी, वो क्रिसेंट शेप की हो जाएगी, और ज़्यादा मैंने आपको पिछले जो वीडियो थी उसमें बताया था। सो आई होप आपको समझ आया होगा ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इन लाइट। मैं आपको एक ट्रिक भी इसकी बताने वाला हूँ। ट्रिक बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, जो हमारा स्टोमेटा है वो ओपन होता है जब CO2 कम होने लगती है और जो pH है वो बढ़ने लगता है तभी। तो आइए हम जो इसकी ट्रिक को देख लेते हैं। ट्रिक जो है मैं आपको इसी पेज पर लिखवाने वाला हूँ, ट्रिक फॉर स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए जो ट्रिक हम देख रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले जो ट्रिक है मैं आपको लिखवाता हूँ, स्कूटर पे और मलो होली के कलर्स, और इससे जो है आपको सीधा सीधा याद हो जाएगा। स्कूटर का मतलब है, स्कूटर में से हम जो है स्टार्च को एस को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ स्टार्च। उसके बाद जो हमारा पर है उस पर हम पी ई पी बना रहे हैं पी से, और इसकी फुल फॉर्म जो है मैंने आपको पीछे ही लिखवा दिया तो मैं दोबारा नहीं लिखवा रहा। ओ से जो है हम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड देख रहे हैं, मेलो से जो है हम मेलिक एसिड देख रहे हैं, जो हमारा होली है उसमें से H से जो है हम H प्लस देख रहे हैं, और K से जो है हम पोटेशियम देख रहे हैं, और C से जो है हम Cl नेगेटिव देख रहे हैं। मैंने आपको यहाँ पर एक बात बताना भूल गया कि जो आप यहाँ देख रहे हैं ये जो क्लोरीन आयन्स है ये भी अंदर आ रहे हैं बाय द मेथड ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, और सिंपल डिफ्यूजन में किसी भी तरीके की जो एनर्जी है वो नहीं लगती। तो आई होप आपको जो ये ट्रिक है वो समझ आई होगी। स्टार्च, फिर PEP, फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फिर मैलिक एसिड, फिर H+, फिर पोटेशियम, फिर क्लोरीन, आपको डायग्राम के अंदर भी कुछ इसी तरीके से देखने को मिलता है। आई होप आपको जो ये चीज़ है वो समझ आई होगी, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इन लाइट विद द ट्रिक। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी इज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन डार्क, यानी जब अंधेरा होने लगता है तो स्टोमेटा क्लोज कैसे होता है। स्टोमेटा क्लोज होने का इंडिकेशन आता है जब CO2 जो है वो कम होने लग CO2 जो है वो बढ़ने लगती है और pH जो है वो कम होने लगता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा एब्सेसिक एसिड जो होता है वो रिलीज़ होने लगता है। एब्सेसिक एसिड जो रिलीज़ होता है हमारा वो इनहिबिट कर देता है H+ एंड K+ पंप को। ये जो हमने यहाँ पर पंप देखा था H+ एंड K+, दिस इज़ आवर H+ K+ पंप, इसको जो है ये पूरी तरीके से बंद कर देता है जो हमारा एब्सेसिक एसिड होता है। तो इसके बंद हो जाने की वजह से जो हमारा K+ है वो अंदर नहीं आ पाता, डिफ्यूजन में चेंजेस आते हैं एंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमीएबिलिटी होती है वो बदल जाती है, और जो हमारा पोटेशियम आयन है वो गार्ड सेल्स के अंदर से बाहर फिकने लगता है, जिस वजह से जो हमारा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है गार्ड सेल का वो कम हो जाता है, और उस वजह से जो है हमें एक्सोस्मोसिस देखने को मिलती है। और जब एक्सोस्मोसिस होता है इसका मतलब जो पानी है वो सेल के बाहर जाने लगता है, वाटर कम्स आउट फ्रॉम द सेल, और जिस वजह से जो गार्ड सेल है वो हमारा एक तरीके से श्रिंक होने लगता है, जिसे हम फ्लैसिड सेल कहते हैं। तो फ्लैसिड सेल होने की वजह से जो हमारा स्टोमेटा है, स्टोमेटल पोर है, वो क्लोज्ड हो जाता है।
तो आई होप आपको जो ये क्लोजिंग एस्टिमेट है कि ये भी समझ आई होगी, बहुत ही आसान है, सेम एज उल्टी है जो हमने ओपनिंग ऑफ एस्टोमेटा में देखी है। इसके अंदर जो हमारा एब्सेसिक एसिड है बस वो क्या करता है, पंप को बंद कर देता है। पंप को बंद करने की वजह से जो पोटेशियम आयन है वो नहीं आ पाते, जिससे जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो बिगड़ जाती है। गार्ड सेल की जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो गिरने लगती है, जिस वजह से पानी जो है सेल के बाहर आने लगता है और जो जो हमारा गार्ड सेल है वो फ्लैसिड बन जाता है। गार्ड सेल बिकम्स फ्लैसिड, और फ्लैसिड बनने की वजह से जो हमारा स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाता है। सो नेक्स्ट जो हम लोग चीज़ देखने जा रहे हैं दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड जो ओपनिंग है जिस पर डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर जो कि सबको पता है दैट इज़ लाइट। अगर लाइट नहीं होगी तो स्टोमेटा को पता कैसे लगेगा कि खुलना है कि बंद होना है। तो ये जो है एक स्टिमुलस की तरह काम करती है, स्टिमुलेट करती है ओपनिंग को, यानी स्टोमेटा को खोलने को जो स्टिमुलेशन देती है वो लाइट देती है। दैट इज़ लाइट में भी जो है हमारा ब्लू लाइट स्पेशली, और जो हमारी रेड लाइट होती है वो भी फेवर करती है ओपनिंग को। ब्लू और जो रेड दोनों की दोनों जो लाइट है वो फेवर करती है स्टोमेटल ओपनिंग को, यानी जिसकी वजह से जो है स्टोमेटा जो है वो खुलता है इन दो लाइट के वजह से। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है एक स्टिमुलस है, और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ओपनिंग को, यानी टेम्परेचर ज़्यादा होएगा तो जो स्टोमेटा है वो खुलना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड हम बात करें दैट इज़ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, आप सिंपली ह्यूमिडिटी भी लिख सकते हैं। ह्यूमिडिटी के दो केस हैं, ह्यूमिडिटी जब जो होगी लो होगी तब बताते हैं क्या होगा, और जो अगर ह्यूमिडिटी हाई होगी तब क्या होगा। अगर हमारी ह्यूमिडिटी हाई है तो स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज्ड। अगर हमारी ह्यूमिडिटी लो है तो स्टोमेटा जो है वो हमारा ओपन हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन्स। फोर्थ जो फैक्टर है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मैंने आपको बताया भी था। कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज्ड है तो उस टाइम क्या होगा, हमारा क्लोज और क्लोजर हो जाएगा। अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो उस टाइम जो है हमारा ओपन हो जाएगा स्टोमेटल पोर। फिफ्थ फैक्टर की बात करें दैट इज़ ग्रोथ हार्मोन, यानी जो हार्मोन्स होते हैं प्लांट के अंदर, हम आगे पढ़ेंगे कि प्लांट के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, अपने क्लास टेंथ में भी पढ़ा होगा, तो वो क्या इफ़ेक्ट डालते हैं। जो हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है वो फेवर करता है स्टोमेटल ओपनिंग को, फेवर्स स्टोमेटल ओपनिंग। नेक्स्ट जो सिक्स्थ हमारा फैक्टर है दैट इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन भी जो है एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन ही है, साइटोकाइनिन भी जो है हमारा फेवर करता है स्टोमेटल ओपनिंग को। तो आई होप आपको जो ये फैक्टर्स हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा समझ आए होंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है हमारा इसमें यही है कि जो स्टोमेटा है वो ओपन कैसे होता है और क्लोज कैसे होता है। ट्रिक भी जो है मैंने आपको इसकी समझा दी है, काफ़ी आसान ट्रिक है, इससे जो है आप एक बार में पूरा का पूरा जो मैकेनिज़म है उसको याद कर सकते हैं। आई होप आपको जो स्टोमेटा है वो समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।